तो अभी हम मेडिकेशन के लिए ट्रॉली रेडी कर रहे हैं। ये हमारी मैम है, वंदना मैम। मैम हाय कर दो। तो आज की मैम की मॉर्निंग ड्यूटी है 2:19 एंड अभी हमारी ड्यूटी। हाय, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है। और ये दोनों दीदियाँ मिलके यहाँ पे वाइटल्स ले रही हैं पेशेंट्स के। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मोहितोग्राफ ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। फिर अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ इस गर्मा गर्म चाय से। एंड मैं आप पर्सनली आपको बता दूँ, मेरे को इस स्टील के गिलास में चाय पीने का आनंद आता है, बाकी कप्स वगैरह में इतना मज़ा नहीं आता जितना स्टील के गिलास में आता है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम इसी गिलास में पीता हूँ चाय। तो गाइस, अभी आप देख रहे हो कि मैं रेडी हो चुका हूँ कॉलेज के लिए, मतलब हॉस्पिटल के लिए। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगी हैं अभी नर्सिंग कोर्स के दौरान। चलिए फिर चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ और दिखाता हूँ कि कैसा बीतता है मेरा आज का दिन। यार, लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा आज एक लाइफस्टाइल ब्लॉग ही हो जाए। पिछले ट्रैवल ब्लॉग में आपने मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, तो इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार देना। तो चलिए फिर चलते हैं। बेचारी स्लीपर हमारे रोड पर स्ट्रगल करती हुई, रोज़ ऐसे स्ट्रगल करती हुई जाती है भाई। आज सूरज देव जी थोड़े छिपे हुए हैं बादलों में, देखते हैं क्या बनता है, बारिश होती है क्या होता है। तो अभी मैं उतर चुका हूँ हॉस्पिटल एंड ये पीछे वाली बस में आया मैं समोत्रा में। तो चलते हैं अभी अपने वार्ड में और करते हैं ड्यूटी। सुबह देखिए कितना शांत एरिया है यहाँ पे, बाद में भाई पार्किंग में कोई भी जगह नहीं रहेगी यहाँ पे। अभी सुबह सुबह तो सुनना सुनना ना, बाद में इधर इतना रश हो जाता है पूछो मत, एमरजेंसी ब्लॉक में भी। आज मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी पड़ी हुई अंदर जाने की। फिलहाल देखिए बिल्कुल खाली है हॉस्पिटल पूरा। अभी चलते हैं सीधा जल्दी जल्दी अपने वार्ड में और फिर जैसे मैं फ्री होता हूँ फिर मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। जैसे आया मैं तो मैम ने एक काम दे दिया हमें, वो काम है वाइटल्स लेने का। अभी हम लेंगे वाइटल्स पेशेंट्स के, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल आने के बाद वो होता है वाइटल्स का। पहले हम वाइटल्स करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ आपको। तो वाइटल्स में क्या आता है, वाइटल्स में इंक्लूड होता है पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट और उसका BP और पल्स वगैरह। तो ये यहाँ पे वाइटल्स नोट हो रहे हैं, ये पेशेंट्स की फाइल्स हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। क्या हाल है? ठीक है। और ये दोनों दीदियाँ मिलके यहाँ पे वाइटल्स ले रही हैं पेशेंट्स के। तो ऐसे वाइटल्स नोट करने होते हैं। BP चेक कर रहे थे, एक पेशेंट का कम्प्लीकेटेड आया है तो हम उसका फिर से चेक करेंगे। अभी उसका काफ़ी ज़्यादा लो भी किया है, हमने मैम को इन्फॉर्म किया। मैम वैसे हमारे साथ ही थे, दूसरी मैम को इन्फॉर्म किया, अभी उसी को हम देख रहे हैं। क्या हाल है तेरा? ठीक है। मैं लेट हो गया था दरअसल 20-25 मिनट, और अभी हम दोनों ने मिलके इस रूम में वाइटल के इस वाले वार्ड में, और दो दीदियाँ हमारे साथ उनकी ड्यूटी है उन्होंने दूसरे वार्ड में की। तो वाइटल्स लेते टाइम ना एक पेशेंट का BP काफ़ी ज़्यादा लो आया, तो फिर अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम आते हैं जब सुबह तो हम वाइटल्स लेते हैं, उसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है मेडिकेशन देना पेशेंट को, मतलब मैडम ही देती है मेडिकेशन, हम भी सीखते हैं ना तो उनकी सुपरविजन में हम भी करते हैं। तो बस अभी मेडिकेशन करेंगे हम, उसके बाद थोड़ी रेस्ट, उसके बाद फिर से काम, फिर जैसे जैसे भी होगा आपको बताते जाऊँगा। तो गाइस, ये है 20 नंबर कैनुला जिसको हम ड्रिप भी कहते हैं, और वो है कॉटन, एंड ये है पेंटोप इंजेक्शन जिसको गैस एंड एसिडिटी के लिए देते हैं हम।
तो अभी हम मेडिकेशन के लिए जा रहे हैं, उससे पहले मैं वेयर कर रहा हूँ ग्लव्स, क्योंकि भाई ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। हॉस्पिटल में काम करना हो ना तो बिना ग्लव्स और मास्क के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हो, मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बिना ग्लव्स के हॉस्पिटल कभी भी काम मत करना भाई, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन है, और मास्क के बिना भी नहीं, क्योंकि कितने सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, कोई टीबी वाला होता है, कोई कोविड वाला होता है, तो ऐसे केसेस में मास्क ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं वेयर करना। एंड सर्जिकल ग्लव्स हमें हमारे हैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गाइस अभी हमारी ट्रॉली तैयार है, इस पर थोड़े बहुत इंजेक्शन्स रखेंगे हम और इंजेक्शन करने के लिए जाएंगे अंदर। ये हमारी मैम है, वंदना मैम, मैम हाय कर दो। तो आज की मैम की मॉर्निंग ड्यूटी है, मैम के साथ एक और मैम है, वो अंदर है वार्ड में। तो अभी हम जा रहे हैं मेडिकेशन देने के लिए। जो वार्ड में मेडिकेशन वगैरह होती है वो पूरी हुई है, अभी ग्लव्स व्लव्स खोलते हैं और हाथ सैनिटाइज करते हैं अच्छे से, फोन शोन भी सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद 10 मिनट थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर से कुछ नया सिखाएंगे मैम। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:08 का, और मैं सुबह से खाना बिल्कुल खा के नहीं आया हूँ, अभी भूख भी लगी है। तो अभी 12 बजते हैं, तो फिर हम चलते हैं बाहर और खाते हैं अपना लंच ब्रेकफास्ट, बीच में एक ही चीज़ है वो। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा काम दिया मैम ने, वो कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ। ये जो देख रहे हो ना वेइंग स्केल, ये जब आप बचपन में जब आपका बर्थ हुआ था ना, आप सबका वेट इस पर हुआ होगा। तो इस पर जब भी न्यूली बोर्न बेबी आता है ना, तो उसको यहाँ पे उसका वेट देखा जाता है। तो मैक्सिमम बच्चों का वेट पता कितना होता है, 2-3, 2-3, 3.5। यहाँ पे भीड़ देखी कितनी है। सुबह से अभी खाना वाना खा के आ गए, अभी चलते हैं अंदर। अभी खाना खाने के बाद आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, अभी डॉक्टर्स का राउंड हो चुका है वार्ड्स में, और अभी हमारा जो काम होता है ना वो काम है, जो डॉक्टर ने सैंपल्स वगैरह लिखे हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनके ब्लड सैंपल लेने हैं पेशेंट्स के, लाइक HBC, BC, DLC, DLC वगैरह, एंड वो फिर लैब में भेजने होते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सैंपल कलेक्ट करने, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइस ये ट्यूब्स हैं जिनमें सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, जो रेड वाली इसमें जाता है RFP LFP। और ये हमारे अरविंदर सर है, सर हेलो कर दो। सर के पास होता है पूरा इसका सामान का डाटा शाटा, सर ही निकाल के देते हैं वार्ड में। तो अभी सर कौन से वार्ड का सामान जा रहा है? गाइनी का। ओके सर, साइड व्यू कुछ इस तरह से है GMC कठुआ का, एंड ये है यहाँ पे नेस्कैफे। तो नेस्कैफे में हम आते रहते हैं, मैं कॉफ़ी वगैरह पीने यहाँ पे आता ही रहता हूँ, काफ़ी बढ़िया सर्विस है इनकी। एंड ये जो सेक्शन है ना, ये जोड़ता है हॉस्पिटल को वार्ड से, पीछे सारे वार्ड से, एंड इस साइड OPD वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वगैरह इस साइड है। तो भाई चलिए फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी टाइम हो रहा 2:19 और अभी हमारी छुट्टी का टाइम है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा 2:19 एंड अभी हमारी छुट्टी। हाय, ये हमारे क्लास कॉलेज मेट्स BSc नर्सिंग वाले। हेलो हेलो, ये BSc वाले हमारे जूनियर। तो जूनियर से हमारा फर्स्ट आएगा ना, अभी सेकंड आएगा ना, हमारा भी सेकंड आएगा, कलीग्स बोल सकते हैं। तो ये भी हमारे कलीग्स हैं। अभी हमें छुट्टी हो गई है यहाँ से, तो चलते हैं फिर घर की तरफ। तो भाई काफी ज्यादा गर्मी है यार, खड़ा नहीं होने जा रहा इधर। और अच्छे पैसे मैं खा लिया लखनपुर के फेमस बल्ले राहुल चाट हाउस से, एंड अभी पेट फुल हो गया, अभी बस भी चलने वाली है यहाँ से, चलते सीधा घर की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 3:35 और अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर पे, एंड अभी चलते हैं अंदर करते हैं रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग गई है भाई।